आपने देखा होगा, अभी गांधी जी की फोटो देखी आपने, गांधी जी के साथ आपको तीन चार महिलाएं दिखेंगी दिखेंगी, सही? मोहन भगवत के साथ आपने किसी महिला की फोटो देखी है, कभी देखी है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका संगठन महिला शक्ति को दबाता है, क्रश करता है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि वो हिंदू पार्टी है, कि बीजेपी के आरएसएस के लोग हिंदू पार्टी, तो अगर पिछले 100-200 साल में किसी एक व्यक्ति ने हिंदू धर्म को समझा हो और हिंदू धर्म को अपनी प्रैक्टिस बनाई हो, तो उस व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी है। इसको हम भी मानते हैं और इसको आरएसएस के लोग भी मानते हैं, बीजेपी के लोग भी मानते हैं। तो अगर महात्मा गांधी ने हिंदू धर्म को समझा और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हिंदू धर्म को समझने में लगा दी, तो आरएसएस के विचारधारा ने उस हिंदू के छाती में तीन गोली क्यों मारी? आपने देखा होगा, अभी गांधी जी की फोटो देखी आपने, गांधी जी के साथ आपको तीन चार महिलाएं दिखेंगी दिखेंगी, सही? मोहन भगवत के साथ आपने किसी महिला की फोटो देखी है, कभी देखी है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका संगठन महिला शक्ति को दबाता है, क्रश करता है। हमारा संगठन महिला शक्ति को एक प्लेटफॉर्म देता है। नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने महिला को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। तो हमारे लिए चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, दलित हो, आदिवासी हो, बंगाल का हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, हमारे लिए सब एक है। हम सिर्फ एक चीज देखते हैं, डरा या नहीं। अगर नहीं डरा कांग्रेसी है, अगर डर गया कांग्रेसी बनाना है।
अगर डर गया कांग्रेसी बनाना है, डर को निकालना है और कांग्रेसी बनाना है।